आपस में टकराएंगे तो बवंडर आएगा, बवंडर आएगा, बवंडर। अच्छा, कंफ्यूजन। एक स्मार्टफोन जिसकी प्राइस है 16999 और दूसरा स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस है 17999। दोनों ही स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज में आते हैं, तो कंफ्यूजन तो बनता ही है ना। और आपको कंफ्यूजन ये मैं होने नहीं दूंगा। आप लोगों ने मुझे वही क्यों कर रखा है। दो पॉपुलर फोन है अंडर 20K में, एक है रेडमी नोट 11T 5G और दूसरा है रियलमी 8S 5G। दोनों ही काफी अच्छे फोन है। अब आप पूछोगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सो इसके लिए मैं हूं ना मनोज सारू। दोनों का जो डिस्प्ले है ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा स्क्रीन साइज का डिफरेंस है। बाकी रियलमी में साइड में आपको पंच होल दे रखा है, रेडमी में आपको सेंटर में पंच होल दे रखा है। दोनों ही IPS LCD डिस्प्ले है, 90Hz है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है। डिस्प्ले बढ़िया है, ब्राइट इनफ है, कलर्स दोनों ही अच्छे प्रोड्यूस करते हैं। इवन आउटडोर में भी दोनों का जो डिस्प्ले है वो ब्राइट इनफ है। बाकी देखने में दोनों ही बढ़िया है, दोनों फोन का लुक लेकिन देखने में स्टाइलिश और थोड़ा प्रीमियम नोट 11T 5G जरूर लगता है। रियलमी 8S के डिजाइन को देखो, इसमें आपको मैट फिनिश मिलती है। इसका प्लस पॉइंट यह है कि कोई भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते। नोट 11T आपको देखने में तो लुक वाइज बढ़िया लगेगा, लेकिन इसमें ग्लॉसी फिनिश मिलती है, इसमें जो फिंगरप्रिंट के निशान है वो इजीली आ जाते हैं। बट हाथ में पकड़ते हो दोनों फोन को तो थोड़ा सा लाइट वेट फील जरूर होता है रियलमी 8S, एंड इसका वेट भी कम है। नोट 11T 5G में स्टीरियो स्पीकर है, वीडियो को लाइक कर दोगे तो आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। Realme 8S 5G में सिंगल स्पीकर है। बस देखो, वैसे तो दोनों की साउंड क्वालिटी लाउड है, बट स्टीरियो स्पीकर की अलग ही बात होती है। एक में दो दे रखे हैं और एक में तीन दे रखे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। कैमरे, नोट 11T में डुअल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल मेन और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा, और जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा है वो डेप्थ सेंसर की तरह यूज होगा। एक और चीज, रियलमी 8S में आपको 64 मेगापिक्सल का नाइटस्केप कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लेंस, जिसे मैक्रो लेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्यों वेस्ट करना अरे आपका टाइम, मैं आपको फोटोज डायरेक्टली दिखा देता हूं। और यहां पर मैं क्लियरली कहना चाहूंगा, दोनों ही फोन का कैमरा आपको पसंद आएगा आउटडोर लाइटिंग कंडीशन, इंडोर लाइटिंग कंडीशन में। तो मैंने बहुत सारे फोटोज लिए और फोटोज को देखने के बाद पता चला रियलमी 8S थोड़े से बेटर फोटोज कैप्चर करता है विद बेटर कलर, बट इंडोर लाइटिंग कंडीशन में डिटेल्स रेडमी नोट 11T 5G बेटर कैप्चर कर रहा है। डायनेमिक रेंज दोनों ही अच्छे कैप्चर करता है, स्लाइटली बेटर यहाँ पर कलर के मामले में आपको देखने में रियलमी 8S बेटर लगेगा। कैमरा में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, कैमरा है ना, वैसे तो दोनों से ही फोटोज बढ़िया निकल के आते हैं, बट अगर आप दोनों के सैंपल को देखोगे ना तो जो आपके आंखों को बढ़िया लगता है तो वैसा जो फोटोज है ना वो आपको रियलमी 8S में देखने को मिलता है, बट डिटेल्स रेडमी नोट 11T बेटर कैप्चर करता है। डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि जो रियलमी 8S 5G का कैमरा है वो बेटर है और विनर निकल के आता है कैमरा पार्ट में। ये रियलमी 8S है, मैं इसमें कैमरे में दिखा देता हूँ। स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाता है वीडियो में, या हम सेटिंग्स पे गए, वीडियो रेजोल्यूशन पे गए, 720p और 1080p तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। और Redmi Note 11T के कैमरे पे हम जाते हैं वीडियो में, तो यहाँ पर आप ये सेटिंग पे हम गए 1080p और 1080p 60fps पे आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यस, इमेज स्टेबलाइजेशन है। वीडियो क्वालिटी में मुझे रियलमी 8S बेटर लगा। पूछो क्यों? आप वीडियो क्वालिटी देख लो दोनों की, दोनों में ही स्टेबलाइजेशन अच्छी है, बट अगर आप देखोगे जो Redmi Note 11T इसका वीडियो रिकॉर्डिंग है ये थोड़े से ना फीके कलर प्रोड्यूस करता है। Realme 8S में जो आपको वीडियो क्वालिटी मिलती है, इसमें जो कलर्स है वो थोड़े से सैचुरेटेड जरूर लगते हैं, बट अच्छे लगते हैं। दोनों के सेल्फी में डिफरेंस मैं आपको बता दूं, 16 मेगापिक्सल के सेल्फी है। बस एक चीज मैंने नोटिस करी, डिटेल्स Redmi Note 11T बेटर कैप्चर करता है, स्किन टोन Realme 8S 5G के बेटर आते हैं। जो Realme 8S है ये थोड़े से ना सॉफ्ट सेल्फीज क्लिक करता है, जबकि जो Redmi Note 11T है इसमें आपको छोटी छोटी डिटेल्स दिख जाती है सेल्फीज में, तो देखने में शायद आपको Realme 8S का सेल्फी बेटर लगे। Note 11T के सेल्फी में ना थोड़े से आपको जो स्किन टोन है वो थोड़े से येलो स्किन टोन देखने को मिल जाते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। दोनों में ही सेम चिपसेट है, 810 चिपसेट, मतलब
और नो डाउट ये जो मीडियाटेक का चिपसेट है काफी पावरफुल चिपसेट है, इसमें कोई शक नहीं है, आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है, काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस भी देने वाला है। सो ये है नोट 11T, HD तक गेमिंग कर सकते हैं और स्मूथ में आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। और ये है रियलमी 8S, HD तक गेमिंग कर सकते हैं, स्मूथ में अल्ट्रा का आपको सेटिंग मिल जाता है। बट दोनों में ऑप्टिमाइजेशन किसने बेटर करी है इस चिप के साथ, इसके लिए मैंने 3 टेस्ट किए। नंबर 1 N22, Realme 8S 5G का जो स्कोर निकल के आया है N22 का आप देख सकते हो 381,000 है। उसके बाद मैंने Redmi Note 11T 5G में N22 रन किया और स्कोर निकल के आया है 351,000। दोनों के स्कोर को आप देख सकते हो, यहाँ पर Realme 8S में जो स्कोर है वो ज्यादा निकल के आया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर क्या मैंने किया, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट एंड जो स्कोर निकल के आया है, जो परफॉर्मेंस का जो ग्राफ निकल के आया है वो आप clearly देख सकते हो बेटर है Realme 8S 5G का। ऑप्टिमाइजेशन Realme 8S ने चिप के साथ बेटर कर रखी है, मैं नहीं कह रहा ये ग्राफ कह रहे हैं। रीड राइट स्पीड में जो Redmi Note 11T 5G है इसका जो रीड और राइट स्पीड है वो दोनों बेटर निकल के आ रहा है। Realme 8S का जो बेस वेरिएंट है वो 6GB RAM 128GB वेरिएंट के साथ आता है। Redmi Note 11T का बेस वेरिएंट 6GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ आता है। Realme 8S में ट्रिपल स्लॉट है, नोट 11T में हाइब्रिड सिम स्लॉट है। वैसे तो आपको दोनों में ही रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट मिलता है, बट जो Realme 8S है इसमें आपको 5GB तक रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट मिलता है और बेस वेरिएंट के साथ भी मिलता है 6GB रैम प्लस 5GB 11GB रैम। जबकि Redmi Note 11T 5G इसमें भी रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट है अप टू 3GB, लेकिन बेस वेरिएंट यानी कि 6GB रैम वेरिएंट के साथ नहीं है, 8GB रैम वेरिएंट के साथ है। दोनों में ही 5000mAh की बैटरी है और 33W का फास्ट चार्जर है। देखो यार, अगर आप दोनों फोन को देखते हो स्पेक्स वाइज ऑलमोस्ट सेम है, लाइक डिस्प्ले सेम है, बैटरी सेम है, जो चिपसेट है वो भी सेम है। तो देखो यार, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। अगर आपको MIUI पसंद है, Xiaomi के यानी कि Redmi के फोन पसंद आते हैं, आपके लिए स्टीरियो स्पीकर प्रायोरिटी है और एक गुड लुकिंग डिजाइन वाला आपको फोन चाहिए, देन बिना सोचे समझे विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली आप Redmi Note 11T 5G 16999 पे आपको ये मिलेगा, इसे चेकआउट कर सकते हो, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, काफी बढ़िया फोन है। बट अगर आप ₹1000 एक्स्ट्रा एड करते हो यानी कि 17999 में जो Realme 8S है, डेफिनेटली इसमें आपको कुछ चीजें बेटर मिलेगी, जैसे कि आपको बढ़िया कैमरा मिल जाएगा, बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, साथ में ज्यादा स्टोरेज मिल जाएगी। एक और प्लस पॉइंट है, इसमें आपको डायनेमिक रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट मिल जाता है अप टू 5GB, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस में आपको जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर मिल जाएगा Realme 8S में, एंड हाँ ट्रिपल स्लॉट भी है। शॉर्ट में कहूं, एक बेटर डिजाइन के लिए गो विद Redmi Note 11T 5G, एक बेटर कैमरा के लिए, बेटर ऑप्टिमाइजेशन और ओवरऑल एक गुड पैकेज के लिए डेफिनेटली गो विद Realme 8S 5G, एंड ओवरऑल मुझे भी Realme 8S 5G एक बेटर डील लगा। अब आप लोग बताओ आपको कौन सा बेटर लगा। बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और मिलता हूं मैं आपको एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।